नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे सुपरस्टार हैं, कई सारे गायक हैं जिनकी चर्चा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार होती रहती है। और इस कड़ी में अगर कोई घटना होता है, किसी को कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, या फिर रोजगार, युवा जिस तरीके से लगातार प्रयास करते हैं कि उनको रोजगार मिले, इस प्रकार के तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं होती रहती है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि एक दायित्व बनता है कि आपको उस पर अपना विचार विमर्श करना चाहिए। वैसे भोजपुरी में तो कई सारे कलाकार हैं जो अलग अलग पार्टियों के हिस्से हैं, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, रवि किशन खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, प्लस गोरखपुर के वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मनोज तिवारी का भी ऐसा ही है, मनोज तिवारी भोजपुरी के कलाकार होने के नाते वो एक बीजेपी के नेता के साथ साथ दिल्ली के सांसद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और निरहुआ भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के साथ वो विधान लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मार्मिक करने वाले मुद्दे आते हैं जिसको लेकर किसी की भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे खेसारी, चाहे पवन सिंह हो, या फिर और भी भाजपा नेता जो भोजपुरी कलाकार के तौर पर हैं। लेकिन कोई गलत होता है, कोई बेरोजगारी का मामला उठाता है, या फिर कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं करते हैं। और इसी कड़ी में आपको पता होगा कि झारखंड के देवघर में एक मन विचलित कर देने वाला रोपवे हादसा हुआ था। रोपवे जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर ले जाता है और उसमें लोग ट्रेवल करते हैं, तो वो जो रोपवे था वो किसी टेक्निकल रीजंस के चलते बीच में फंस गया था, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा हुई थी। और उसको लेकर तमाम जो अलग अलग जो ऑपरेशन है वो अपनाए गए थे, तमाम जवान जो हैं उन लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश किए और कई लोगों को सुरक्षित किया और साथ में कई लोगों का उन्होंने जान बचाया, तो वहीं पर कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी। तो इसको लेकर कोई भी कलाकार भोजपुरी का अभी तक नहीं बोला है, लेकिन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने इसको लेकर अपना दुख व्यक्त किया है। दरअसल बात करें तो खेसारी लाल यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि देवघर के झारखंड के देवघर से मन को विचलित करने वाली रोपवे हादसे का दुखद खबर मिला है। इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में इंडियन एयरफोर्स या फिर एनडीआरएफ की बात कर ले, आईटीबीपी के जवानों एवं स्थानीय लोगों को दिल से धन्यवाद देने की बात कही है। तो खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।